इंडस्ट्री में शादीशुदा जिंदगी और सिंगल जिंदगी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जितनी जल्दी यहाँ शादी होती है उतनी जल्दी तलाक भी हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी खूबसूरत जोड़ियाँ टूटी हैं कि आप सुनकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ जोड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने टाइम रहते अपने रिश्ते को बचा लिया, और ऐसी जोड़ियों में एक नाम एक्टर अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर का भी है। दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर पर भी प्यार का फितूर इस कदर चढ़ा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी तक भूलने लगे, अपनी पत्नी और बेटी तक को भूलने लगे। अब जब भी अनिल की बेटी सोनम कपूर के सामने ये किस्सा आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो भगवान को शुक्र अदा करती हैं कि टाइम रहते उनके माता पिता एक दूसरे को समझ गए और एक दूसरे से दूर होते होते बच गए, वरना आज ना जाने कौन कहां होता। वेल, ये तो सुनिए कौन वो खूबसूरत बला थी जिसके लिए अनिल कपूर अपनी पत्नी बेटी परिवार सबको त्यागने को तैयार थे। वैसे आप भी गैस करके बता सकते हैं, नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और नहीं पता तो आपको बता दें वो खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित जी थी। जी हाँ, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी ने अनिल कपूर के संग तेजाब, रामलखन, पुकार, बेटा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। माधुरी और अनिल कपूर ने सबसे पहले डायरेक्टर प्रयागराज की फिल्म हिफाजत में एक साथ काम किया था, बाद में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री शानदार थी, इनके फैंस के बीच इनके प्यार के चर्चे शुरू हो गए। हालांकि इस बारे में ना तो अनिल कपूर ने कुछ कहा और ना ही माधुरी दीक्षित ने, लेकिन दोनों ने अचानक से एक साथ फिल्में करना बंद कर दी। माधुरी अनिल कपूर की फिल्म में नहीं आने के कारण एक्टर की वाइफ सुनीता को माना जाता है। कहा जाता है कि जब माधुरी और अनिल के अफेयर की अटकलें काफ़ी तेज होने लगी तो सुनीता खुद आकर अनिल कपूर से बात की और माधुरी से दूर रहने की हिदायत दे डाली। कहा तो ये भी जाता है कि माधुरी से पहले अनिल कपूर का नाम एक्टर श्रीदेवी, शिल्पा और किमी काटकर के संग जोड़ा जाता था। अलग अलग एक्ट्रेस के संग पति का नाम जुड़ने से सुनीता काफी परेशान रहने लगी, उनकी तबीयत भी खराब होने लगी, इसलिए वो सिर्फ अपना परिवार बचाना चाहती थी। आपको बता दें, साल 1989 में जब माधुरी से पूछा गया कि क्या अनिल कपूर से शादी करेंगी तो उन्होंने मूवी मैगजीन को जवाब देते हुए इसे सिरे से नकार दिया। माधुरी ने अनिल से शादी करने के सवाल पर सीधे नहीं बोल दिया, मैं उनके जैसे इंसान से शादी करना पसंद नहीं करूंगी, वो बहुत संवेदनशील इंसान है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कूल हों। यहाँ तक अनिल की बात है तो मैंने उनके साथ फिल्में की हैं, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं उनके साथ अफेयर को लेकर मजाक भी कर सकती हूँ। माधुरी ने यह भी कहा था कि वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसका बुरा असर अनिल कपूर की फैमिली पर पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जब माधुरी अनिल कपूर के अफेयर के किस्से काफी तेजों से सुर्खियों बटोरने लगे तो उनकी वाइफ सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग पर पहुंच गई। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से कुछ नहीं कहा, लेकिन माधुरी अनिल का माजरा समझ गई थी। ऐसे में मन ही मन अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में करने से मना कर दिया, और पुकार फिल्म अनिल और माधुरी की आखिरी फिल्म रही है जिसमें दोनों को एक साथ रोमांस करते हुए देखा गया था। यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी। बाद में करीब 18 साल तक माधुरी और अनिल की कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि कई सालों बाद उन्हें आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई टोटल धमाल में एक साथ देखा गया। अनिल कपूर ने 1984 में सुनीता कपूर के साथ शादी की थी। अनिल कपूर की दो बेटियां और एक बेटा है जिसका नाम सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन है। अनिल कपूर अब नाना भी बन चुके हैं। और दूसरी ओर माधुरी ने 17 अक्टूबर 1989 को डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी की थी। वो अपनी शादी के बाद कुछ वर्षों के लिए अमेरिका चली गई थी, लेकिन 2011 में भारत वापस आ गई। माधुरी भी अब दो बेटे आर्यन और रयान की माँ हैं। वहीं आपको बता दें, माधुरी अब कई रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं और कई तरह के शोज भी करने लगी हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा का नाम उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। जिस दशक में रेखा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था उस समय ये काफी आम था। रेखा का नाम कई विवादों से जुड़ा, फिल्मी करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी पर भी कई तरह के सवाल किए गए। आज वो राज भी बताते हैं। जब रेखा बेहोशी की हालत में मिली थी, रेखा को बेहोश देखकर लोग घबरा गए, उन्हें अस्पताल लेकर भाग गए।
लोगों को लगा कि रेखा बीमारी की वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन वजह कुछ और ही निकली। वजह सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेखा उस वक्त 13 साल की थी जब रेखा को ऐसा काम भी करना पड़ा, जब वो सेट पर शूटिंग करते करते बेहोश हो गई थी। इतनी सी उम्र में रेखा का बेहोश होने की वजह भी छोटी मोटी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी थी। रेखा के घर के हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से रेखा ने 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। छोटा मोटा काम करते करते रेखा का पैर बॉलीवुड की उन गलियारों में चला गया जहाँ से रेखा आज भी निकल नहीं पाई है। आज उनका नाम एवरग्रीन खूबसूरत अदाकारा रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें भी देखी, लेकिन शुरुआत इस किस्से से हुई थी जब 13 साल की उम्र में उन्हें फिल्म अनजान ऑफर की गई थी। इस फिल्म में वो काम तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर के हालातों की वजह से रेखा को काम के लिए विदेश जाना पड़ा। रेखा शूटिंग कर रही थी और जब रेखा को पता चला कि उन्हें इस फिल्म में किसिंग सीन भी करना है और वो तैयार हो जाएं, ये सोचकर रेखा घबरा गई, क्योंकि रेखा उस वक्त नाबालिग थी और उनके लिए किसिंग सीन करना बहुत बड़ा फैसला था। उनके लिए क्या, बल्कि उस वक्त किसी भी लड़की के लिए ये फैसला बहुत बड़ा हो जाता। रेखा इतना सोचने लगी कि वो सेट पर ही बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर लोग भागने लगे, लेकिन उससे पहले रेखा को होश आ गया और उन्होंने जब अपने घबराहट की वजह बताई तो सबको भी आई। लेकिन उस वक्त रेखा ने इंडस्ट्री में काम करने का ठान ही लिया था तो घबराना क्या, उन्होंने इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी। अब रेखा 70 साल की होने वाली है, लेकिन रेखा की खूबसूरती अभी भी बरकरार है। जब रेखा किसी पार्टी में साड़ी और फुल मेकअप के साथ जाती है तो लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। रेखा की मांग में सिंदूर और बिंदी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है।